बात करिए गुजरात की मुलाकात आवेला आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ना अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया गुजरात और मंदसौर नी सामूहिक बलात्कार की घटना अंगे प्रतिक्रिया आपी हती। मंदर न्यूज साथे करेली बातचीत में तेमणे जणाव्युं हतुं के गुजरात नी अने मध्य प्रदेश नी घटना देश माटे शरमजनक छे। आवी घटनाओ वधता देश में અસુરક્ષાનો માહોલ ઉભો થઈ રહ્યો છે। દેશમાં બહેન દીકરીઓ સુરક્ષિત નથી તો બીજી તરફ ખેડૂતો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે અને જવાનો સરહદ પર સુરક્ષિત નથી તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું। તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે બળાત્કારના કેસ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચાલવા જોઈએ, સાથે જ બળાત્કારીઓને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે તેવી તેમણે માંગ ઉચ્ચારી હતી। આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પ્રવીણભાઈ તોગડિયા જે સ્વ અશોકભાઈ પટેલને મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા ત્યારે ગુજરાતમાં અત્યારે હાલમાં હાજરી આપી છે ત્યારે કાર્યકર્તાઓ મળી રહ્યા છે। ત્યારે આપણે સીધી વાત કરીશું પ્રવીણભાઈ તોગડિયા સાથે। જી પ્રવીણભાઈ, આપ ગુજરાતમાં હાજરી આપી છે, જે રીતે ગુજરાતમાં જે રીતે હાલમાં મહિલાઓ પર અત્યાચાર વધી રહ્યા છે, બળાત્કારીઓની ઘટના જે વધી ગઈ છે, જે રીતે હાલમાં જ જે ગેંગરેપની ઘટના અમદાવાદમાં બની, સમગ્ર ઘટનાને લઈને આપ શું કહેશો? કયા પ્રકારની જે સરકારની ક્યાંક ને ક્યાંક જે નીતિ જવાબદાર છે, ક્યાંક કઈ રીતની આખી ઘટનાક્રમ જોઈ રહ્યો છો, જે બળાત્કારની ઘટનાઓ વધી છે તે અંગે શું કહેશો? बहुत दुख की बात है कि देश में हमारी बहन बेटियां माँ सुरक्षित नहीं है। मंदसौर की घटना और यह गुजरात की घटनाएं सबका माथा झुका देने वाली है। हम सब प्रशासन पर दबाव बनाए, यह सरकार में हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रही, गाँव में किसान सुरक्षित नहीं रहा और सरहद पर हमारा सैनिक सुरक्षित नहीं रहा। हम पूरे देश में महिला सुरक्षा के लिए अभियान चलाएंगे और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, उनको जगाएंगे, सुरक्षित करेंगे और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएंगे। मेरी मांग है कि अहमदाबाद की घटना और मंदसौर की घटना दोनों में शीघ्र यह घटना करने वालों को फांसी हो। हम सब सरकार पर इसके लिए दबाव बनाएंगे। प्रवीण भाई, अभी आप आने वाले समय में हिंदू के लिए क्या अपनी योजनाएं परिषद क्या क्या आगे आने वाले समय में प्लानिंग है? अभी तो यही योजना है, महिला सुरक्षा। देश में महिला सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय महिला परिषद अभियान चलाएगी, सरकारों पर दबाव बनाएगी। 32,000 यदि पूरे देश में महिला बलात्कार की घटना होती है तो सरकार क्या सो रही है? उसका की सरकार सो रही है। हम सरकार को भी दबाव जगाएंगे, दबाव बनाएंगे और देश में सभी बहन बेटियों की सुरक्षा हम तय करवाएंगे। जी धन्यवाद आपका। आज आपकी साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष પ્રવીણભાઈ તોગડિયા जमन कहूँ कि जी रीते देश ने जे प्रकार राज्य में जे प्रकार बलात्कार की घटनाओं वही रही है, महिलाओं पर अत्याचारों वही रहे, तरह क्या क्या सरकार ऊँगी रही है, सरकार ने जगह महिला सशक्तिकरण महिला मोर्चा जो कार्यक्रम धरी ने देश जे केन्द्रीय नेतृत्व है जगह आज जो बलात्कारियों ने फांसी की सजा करवा मांग करी है। कैमरामैन रवि जोशी साथ प्रवीण जाधव, मंतव्य न्यूज़, वावोल, गांधीनगर।